मैं एक्चुअली हम लोग गांव गए थे, गांव से आते आते हमें एक आंटी ने दे दिए एप्रिकॉट्स। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका जैम बना लिया जाए और आप लोगों के साथ में शेयर की जाए इसकी रेसिपी। तो मैंने क्या किया है कि जो एप्रिकॉट्स थे उनको मैंने वॉश कर दिया, वॉश करके मैंने एक छलनी के अंदर उनको रख दिया ताकि वो सूख जाए, उनका सारा पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। तो अब मैं उनको कट करने लगी हूँ और मैं बताने लगी हूँ आपके साथ में उसकी रेसिपी। ये बहुत सारे इतने ये एप्रिकॉट्स हैं, तो ये लगभग 1 किलो के आसपास एप्रिकॉट्स हैं। तो मैं क्या करूँगी, इनको ऐसे खोल करके इनका जो सीड है इसको अलग से निकाल दूंगी और इसके बाद इनको छोटे छोटे पीसेस में ऐसे करके काट दूंगी। तो मैं इनको बोल के अंदर काट रही हूँ, तो इनको छोटे छोटे पीसेस में ऐसे काटेंगे। आप चाहें तो इनको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्राइंड नहीं कर रही हूँ, मैं छोटे छोटे पीसेस में ही इनको काट रही हूँ। क्योंकि अगर हम ऐसे काटते हैं तो थोड़ा सा चंकी चंकी सा फ्लेवर, मतलब चंकी चंकी सा लगता है, जो खाने में मुंह के अंदर आता है तो बड़ा टेस्टी लगता है और देखने में भी थोड़ा सा ना ये गाढ़ा सा लगता है, एकदम से बिल्कुल पतला नहीं हो जाता है। तो मैं इनको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। सारे के सारे खुबानियों को मैंने छोटे छोटे चंक्स में चॉप कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे चीनी, इसका लगभग आधी क्वांटिटी। तो चीनी का ये काम है कि ऑब्वियसली स्वीटनेस का तो काम देती ही है, लेकिन प्रिजर्वेशन भी बहुत अच्छे से करती है, तो इसलिए चीनी ऐड करेंगे इसमें। अब इस चीनी और खुबानी को एक अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छा मिक्सचर इसका बना देना है ताकि चीनी पूरी इसके अंदर मेल्ट हो जाए। चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है, आप पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रैनुल्स ही लिए हैं। अब इसे 1 घंटे के लिए हम ऐसे रख 1 घंटे तक इस चीनी और एप्रिकॉट का मिक्सचर मैंने रखा था, और अब ये पूरी तरह से इसमें मेल्ट हो चुकी है। अब टाइम आ गया है इसको पकाने का, तो अब वो प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब मैं इसको ट्रांसफर करूंगी कॉल्ड्रोन के अंदर कढ़ाई में। इसके लिए मैंने ये रेगुलर कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैं इसको ट्रांसफर करने जा रही। तो मैंने गैस ऑन कर दी है और मैंने गैस को हाई फ्लेम पर ही रखा है ताकि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाए। हाँ, बीच बीच में इसको चलाते जाना है ताकि नीचे से मतलब फंस ना जाए, इसलिए बीच में इसको चलाते जाना है। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके ऊपर जो ये फॉर्म जैसी चीज़ क्रिएट हो जाती है, इसको हमें धीरे धीरे रिमूव करना है। जितना ज़्यादा आप इसे रिमूव करोगे उतना सही। जैम काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी इसे थोड़ा सा और गाढ़ा होने देना है। अगर आपको ये चंक्स नहीं चाहिए तो आप पहले चॉपिंग के टाइम पे इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे चंकी वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐसे लिया है। और इसका जो टेक्सचर है, इसकी कंसिस्टेंसी हनी जितनी होनी चाहिए, तो वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जैम की, तो उस कंसिस्टेंसी तक हम इसे ले आते हैं। ये पूरी तरह से पक चुका है और इसकी आप कंसिस्टेंसी देखेंगे तो ये हनी जितनी हो गई है, और मैंने गैस भी ऑफ कर दी है, और अब ये बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ठंडा हो चुका है और अब इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस भी काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है और प्रिजर्वेशन भी अच्छे से करता है। अब इसे उतार देंगे एक एयर टाइट कांच के जार में स्टोर करने के लिए। जैम एकदम रेडी है, इसे ब्रेड के साथ खाइए, और 1 महीने तक आप इसे फ्रिज में और 6 मंथ तक फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।